गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नए सिलेबस का पेपर JIJL का मेरे पास है और इस पेपर का मैं आपके सामने रिव्यू लेकर उपस्थित हूँ कि भाई ये पेपर कैसा था। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो में मैंने कोई भी पेपर का डिस्कशन नहीं किया है, मैं बस क्वेश्चंस को रिव्यू कर रहा हूँ, मैं ICSI की स्ट्रैटेजी को रिव्यू कर रहा हूँ। जैसा कि हमें लग रहा था कि आज का पेपर काफ़ी अच्छा होगा, तो लेट्स सी क्या ICSI ने पेपर अच्छा पूछा, फिर कल हमने जो मैराथन लिया था क्या उस मैराथन से यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, या फिर हमारा पुराना जो मैराथन था या वहां से इससे क्वेश्चन आए, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए जल्दी से पहला क्वेश्चन। उन्होंने आपको बड़ा जबरदस्त तरीके का केस लॉ दिया और इसमें आपने अपना टाइम काफी कुछ लगाया होगा पढ़ने में बच्चों, ठीक है। 15 मिनट उन्होंने पेपर पढ़ने के दिए हैं तो उन्होंने प्रॉपर वसूल किया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आइडियली देखा जाए तो यहां तक तो ठीक ठाक था बच्चों डिफेमेशन का। फिर उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उन्होंने केस लॉ मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया बच्चों कि डिफेमेशन क्या है जिसका केस लॉ से कोई रिलेशन था ही नहीं, क्या एंटीसिपेटरी बेल यहाँ पे मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना था भैया कि यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल कॉग्निजेबल ऑफेंस मिलता है, तो क्या यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस था। उसके बाद फिर वो स्लेंडर और लिबेल था, ये पूछा व्हाट इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट टू ट्राई सिविल सूट वेयर रॉन्ग डन टू द पर्सन, तो इसमें सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है ये बताया बच्चों। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी वर्ड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, तो ये भी एक 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा उन्होंने। और लिमिटेशन का इन्होंने क्या पूछा, पीरियड बोला कि भाई अगर आपको कॉम्पनसेशन चाहिए डिफेमेशन के केस में तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो ये बेसिकली CRPC का थोड़ा सा प्रोविजन है, उसमें पनिशमेंट देख के आपको निकालना पड़ता है। एनीवे उसके बाद बच्चों ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है अगेन कि उन्होंने विशाखा गाइडलाइंस वगैरह आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया है बच्चों। ये बेसिकली क्वेश्चन किसका है, सोर्सेज ऑफ लॉ चैप्टर में प्रेसिडेंट्स का है। तो ऐसे प्रेसिडेंट जो बाइंडिंग होते हैं और ऐसे प्रेसिडेंट जो कंडीशनली अथॉरिटेटिव होते हैं, तो बेसिकली उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन इजी था बट उन्होंने इन केस लॉज के थ्रू आपको ट्राई किया थोड़ा सा कंफ्यूज करने का। उसके बाद बच्चों आपने 2 गिफ्ट किए हैं बच्चों, ये कल्याण सुंदरम वर्सेस करुअप्पा वाला केस, ये कल हमारे मैराथन में भी डिस्कस हुआ था बच्चों जो हम डिस्कस करते हैं। तो ये 1-4 मार्क का क्वेश्चन था। उसके बाद ए इज द सन ऑफ बी सोल्ड द प्रॉपर्टी पे, बच्चों ये स्पेक सक्सेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद 50,000 रुपये का चेक आपने ड्रॉ किया बट 49,000 आपके अकाउंट में था, बेसिकली 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आपका चेक बाउंस हो गया, क्रिमिनल ऑफेंस है, क्या मीडिएशन में आप इसको सेटल कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन था बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, दैट वॉज ऑन आपके पास ऑयल के 2 टन है, आप एक रोड से बेचते हैं और एक शिप से बेचते हैं, ठीक है, आप इंसॉल्वेंट बन जाते हैं बच्चों। मेरे ख्याल से ये एक बार चेक करना, दिस इज स्टॉपेज इन ट्रांजिट का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, यस यस बच्चों ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट का क्वेश्चन है। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया और कानून बना के ये बता दिया कि भाई, तो गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया और कानून बना के ये बता दिया कि आपको बाय और सेल के जो कॉन्ट्रैक्ट है तेल में उसके लिए लाइसेंस लगेगा। तो एक बंदे ने क्या ऑप्टेन कर लिया, एक बंदे ने लाइसेंस ऑप्टेन कर लिया और फिर मतलब बाय करने का लाइसेंस ऑप्टेन कर लिया और वो सेलर ढूंढ रहा था बच्चों, तो उसको सेलर मिल गया। सेलर ऐसा था जो सेलर ने झूठ बोला कि भाई मैं तुमको मेरे पास लाइसेंस है, ठीक है, सेलर ने झूठ बोला बट एक्चुअली में जब बायर ने इंक्वायर किया तो उसको पता चला कि सेलर ने क्या बोला है, झूठ बोला है। और सेलर ने झूठ बोला है, आपको पता है कि सेलर ने झूठ बोला है, लेकिन फिर भी सेलर ने आपसे कन्विंस कर लिया टाइम एक्सटेंशन के लिए, तो बच्चों आपने उसके जो डिफॉल्ट था उसको आपने रेटिफाई किया, इस टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन था बच्चों। आई होप आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन है बच्चों आपने इसका आंसर लिखा होगा। फिर बच्चों आपने प्राइवेट बैंक में गए और प्राइवेट बैंक का जो गार्ड है उसने गलती से आपको गोली चला दी, तो क्या सर्वेंट के एक्ट के लिए मास्टर विकेरियसली लायबल है, टॉर्ट लॉ का क्वेश्चन है बच्चों ये। उसके बाद बच्चों लिमिटेशन पीरियड, बच्चों 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है, ये बंदा माइनर है 13 साल का, Section 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट बच्चों, ये कल भी हमने क्या किया था बच्चों डिस्कस किया था, Section 6, 7, 8 3 सेक्शन लागू होते हैं बट आपको तीन में से एक कोई सेक्शन लिखा होगा, Section 6 लिखा होगा स्पेसिफिकली, तो सही होगा बच्चों। नाउ उसके बाद बच्चों Section 79 ऑफ, बेटा ये इंटरमीडियरी की लाइबिलिटी वाला क्वेश्चन है बच्चों, सो गूगल आ गया मतलब कहीं ना कहीं इंटरमीडियरी कब लायबल नहीं है, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगा बच्चों, दिस क्वेश्चन वॉज रियली ट्रिकी, सत्येंद्र कुमार की गाइडलाइंस के केस में
कि ये जो आपका बेल का जो राइट है, जो बेल का राइट है बेसिकली, इसमें हम लोग अपने को बच्चों को एक क्वेश्चन हुसैन आरा खातून वाला क्वेश्चन कराते हैं कि बेल का राइट जो है वो कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट से मिलता जुलता है, बिकॉज जब तक आपका ट्रायल कंप्लीट नहीं होता तब तक, या जब तक आपका आरोप साबित नहीं होते तब तक आपको बेल मिल सकती है। उसके बारे में अपने को थोड़ा सा गाइडलाइंस लिख दी थी। तो बच्चों मेरे ख्याल से ना क्वेश्चन 4 इसमें चॉइस था, तो ये बच्चों ये ना ये मेरे ख्याल से काफ़ी डिफिकल्ट था, आपने सॉल्व करना चाहिए था ये 4A। 4A बहुत सिंपल है, सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड बच्चों, ये मैंने कल के मैराथन में ही बोला था। उसके बाद ई स्टैम्पिंग को हम वेरिफिकेशन कैसे करते हैं बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। और उसके बाद ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए आईटी एक्ट में किया, तो दिस क्वेश्चन वॉज एनी डे मच ईजियर देन दैट क्वेश्चन बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आरटीआई एक्ट का क्वेश्चन था बच्चों, कि रिक्वेस्ट आप कैसे कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग बच्चों, ये भी उन्होंने आपको एकदम इजी क्वेश्चन पूछ दिया, क्या ना केस ट्रायबल बाय स्पेशल जज, स्पेशल जज जो केस ट्राई कर रहा है क्या वो हाई कोर्ट को ट्रांसफर हो सकता है क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ये 5वां का क्वेश्चन था। और उसके बाद कोर्ट का आपको क्या लिखना था, ज्यूरिसडिक्शन लिखना था, जो काफ़ी आसान था, ये थोड़ा सा फिर भी बच्चों चैलेंजिंग क्वेश्चन था। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन था बच्चों स्पेसिफिक परफॉर्म, बच्चों यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा या मैंडेटरी इंजंक्शन होगा बच्चों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप लिख देंगे, किसी पॉजिटिव एक्ट को एनफोर्स करना और नेगेटिव एक्ट को रुकवाने के लिए पॉजिटिव एक्ट को एनफोर्स करना, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल पर डिपेंडेंट है वो स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं हो सकते। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना था कि एडमिशन है या कन्फेशन है, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, बट आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप बता देते, दोनों की डेफिनेशन देखते आप तो बता देते कि क्या है एडमिशन है कन्फेशन। उसके बाद बच्चों क्या वाइफ के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट पति के खिलाफ होता है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन वगैरह से रिलेटेड है। उसके बाद प्रॉमिसरी नोटिस एग्जीक्यूटेड बाय राजा एंड सुराजा, स्टैंप आपने बाद में लगाया, तो बच्चों सेक्शन 17 ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट, आपको स्टैंप कब अफिक्स करना चाहिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर बच्चों एक चीज़ याद रखिए बच्चों, नो कॉन्ट्रैक्ट दैट अराइज ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, उसमें कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर झगड़ा होने के बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं होता, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, मतलब इनवैलिड होगा, लॉ का सपोर्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्टैटूटरी इंटरप्रिटेशन शैल बी अप्लाइड बाय द कोर्ट व्हेन देयर, बच्चों कौन सा है, रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, ये मैंने आज सुबह सुबह एग्जामिनेशन सेंटर में भी इसको रिवाइज करवाया था। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन मत देखिए, क्वेश्चन जो लिखा है आखिरी में देखिए, दे आर जस्ट आस्किंग जुडिशियल रिव्यू बच्चों, हम लोग बार बार पढ़ रहे थे जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पे स्टैट्यू और ऑर्डिनरी और इक्विटेबल रिव्यू, और कस्टम विल वैलिड बच्चों, एक कस्टम वैलिड कब होता है, जब वो बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है, वो जस्टिफाइड है, आपको पता होगा। और उसके बाद बेसिकली डिपेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिव डिमांड एनी असर्टेन, बच्चों डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया लीगल एंड इक्विटेबल सेट ऑफ, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंस लिख देते, सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ के बीच में डिफरेंस बच्चों, ये भी मैंने डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर था, तो बच्चों इस क्वेश्चन पेपर में मुझे ऐसा लगता है बच्चों, अगर आपने मतलब डिसेंट अगर मैं बोलूँ तो आपने लगभग 80 75 से 80 मार्क का, 75 मार्क का भी अगर आपने अटेम्प्ट किया, क्योंकि मुझे लगता है कि 10 12 15 20 मार्क के क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी थे बच्चों जेन्युइनली स्पीकिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने 75 मार्क्स के आसपास अगर आपने अटेम्प्ट किया है, 70 के आसपास भी अगर आपने अटेम्प्ट किया, आईसीएसआई ने यहाँ पे एमसीक्यूज नहीं पूछे, तो एमसीक्यूज के बदले तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, वो तो उनको लग रहा था होगा कि वो उतना ईजी है, बट ठीक है। सो पेपर काफ़ी अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा, इट वॉज अ ट्रिकी पेपर बच्चों, और आपको चाहिए कि और मेहनत करें। अब मेहनत तो क्या बच्चों, आपने बहुत मेहनत की थी, बट 75 मार्क का अगर आपने अटेम्प्ट किया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 50 से 52 मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल पेपर काफ़ी अच्छा था, अच्छा मतलब अच्छा ही सोचना है बच्चों, और आप पास हो जाएंगे मेरे को पूरा यकीन है, क्योंकि 70 मार्क 75 मार्क के क्वेश्चन ऐसे थे जो आप सॉल्व कर सकते थे। अगर आपने 60 मार्क का भी अटेम्प्ट किया तो आप प्लीज़ हिम्मत मत हारिएगा, आपका पेपर अच्छा गया है, कल के पेपर की तैयारी कीजिएगा। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।